मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। भगवान ने सबका जीवन निश्चित किया, चींटी का, मक्खी का, मच्छर का और मनुष्य का, हाथी का, घोड़े का, ईश्वर के बनाए हुए ये सब है। तो ईश्वर ने सबकी उम्र निश्चित की कर रखी है। तो उम्र पूरी होने पे कोई मरे तो कोई बात नहीं, लेकिन बीमारी से कोई नहीं मरना चाहिए पूरे देश में। ये हमारे अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए आप बोलेंगे क्या करें, तो एक तो काम ये करो कि सवेरे यहाँ आ जाओ। आज कल से यहाँ योग कक्षा शुरू हुई है, आज भी हुई है, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी। चार दिन में कुछ सीख लो योग और प्राणायाम, और जो कुछ कम सीख पाए तो सवेरे 5 बजे आस्था चैनल खोल लो, स्वामी रामदेव जी मुफ्त में सबको सिखाते हैं 5 बजे से 7:30 बजे तक। वो रोज सिखाते, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। तो टीवी चैनल खोल के देख लो और ये सीख के करना शुरू कर दो, बीमारियां आपकी ठीक होती चली जाएंगी। दूसरा मेरा निवेदन है कि आप जब योग और प्राणायाम करेंगे और बीमारियों को ठीक करेंगे तो ये एक रास्ता तो है। दूसरा इससे भी बड़ी बात है वो ये कि योग और प्राणायाम अगर आप करने लगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। एक बात तो ये है कि आपकी अभी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी बात इससे भी बड़ी है कि आपने नियमित योग प्राणायाम करना शुरू कर दिया तो भविष्य में कोई बीमारी आएगी ही नहीं आपको, ये उससे भी बड़ी बात। तो हमेशा हम निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, भविष्य में कोई बीमारी ना आए, इस दृष्टि से एक तो योग प्राणायाम करना और दूसरा छोटे छोटे कुछ नियम का पालन आप करने लगो जिंदगी में तो बीमारियां आपके जिंदगी से कोसों दूर रहेंगी। हमारे भारत में एक महान व्यक्ति हुए महर्षि चरक, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन भी बीमार नहीं पड़े। उन्हीं के समकक्ष एक महान महर्षि हुए महर्षि सुश्रुत, उनके बारे में कहा जाता वो कभी बीमार नहीं पड़े। एक इनके बाद महान व्यक्ति हुए महर्षि भागवत, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी बीमार नहीं पड़े। ऐसा मैंने पढ़ा अपने शास्त्रों में कि आज से थोड़े साल पहले तक कई महान महर्षि ऋषि ऐसे हुए जो बीमारी नहीं पड़े, ये कैसे संभव है? तो मैंने उनके जीवन को पढ़ा तो पता चला कि वो अपने जीवन में नियमित योग प्राणायाम करते थे, साधना करते थे और कुछ खाने पीने के नियमों का पालन करते थे। खाने पीने के नियमों का पालन अगर हर व्यक्ति करने लगे और योग प्राणायाम नियमित रूप से करने लगे तो आज भी गारंटी है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अब महर्षि भागवत, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत तो भूतकाल हो गए, मैं तो वर्तमान का उदाहरण दे रहा हूँ जो आपकी आंखों के सामने है। हमारे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हैं, सालों साल से बीमार नहीं पड़े। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, अखबार वाले बहुत जगह मुझे मिलते हैं, पत्रकार वो मुझे मजाक करते रहते हैं। वो कहते हैं राजीव भाई हमको एक खबर की बहुत दिनों से प्रतीक्षा है। मैं बोला क्या खबर चाहिए आपको? बाबा कब बीमार पड़ा, ये खबर चाहिए। मैं पूछा क्यों चाहिए? कहते हैं पहले पन्ने पे छापेंगे अखबार। क्या देखो इनकी बुद्धि है पत्रकार की, बाबा कब बीमार पड़ा इसको पहले पन्ने पे छापना चाहते। भाई तुमको क्या मिलने वाला है? कहते मजा आएगा और सबको कहेंगे कि देखो बाबा खुद बीमार है और दूसरों का इलाज करता फिरता। तो मैंने उन सभी पत्रकारों को ये कहना शुरू किया है कि इस खबर का तुम इंतजार करते रहो, कभी मिलेगी नहीं ये खबर। कहने लगे क्यों? मैंने कहा बाबा बीमार पड़ ही नहीं सकता। कारण क्या है? कारण वही है जो महर्षि भागवत, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत किया करते थे वही परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी करते हैं। प्रतिदिन योग प्राणायाम और साधना करना और खाने पीने के नियमों का पालन करना। तो कहा गया है कि जो खाने पीने के नियम ध्यान रखे और साधना करे योग की तो बीमारी ना पड़े। तो मैं आपसे वो नियम भी कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों के विशेष रूप से वो बताना चाहता हूँ ताकि बच्चों को वो संस्कार में ये नियम बता सके। और ये जो बहने बैठी है इनको भी
ध्यान से सुनना है ये सब नियम। योग प्राणायाम तो सवेरे सीख लेना, कल आ जाना। ये आनंद भाई यहाँ पे है, ये सिखाएंगे, कल भी सिखाएंगे, परसों भी सिखाएंगे, दो दिन में आ जाएगा। और योग प्राणायाम बड़ी सरल विद्या है, दो ढाई घंटे में कोई भी सीख सकता। नियम मैं बताते चला जा रहा हूँ, कल से, आज से और अभी से अपने जीवन में कुछ नियम का पालन आप करो तो बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, आप भी परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी की तरह से निरोगी रहोगे, कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो आप बोलोगे कौन से नियम है, कुछ चार पांच नियम बताता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा नियम याद नहीं रहेंगे, और चार पांच नियम भी आपको याद हो गए तो बहुत काम के। पहला नियम जिंदगी भर के लिए इसको पालन करना, सारे विद्यार्थी इसको ध्यान से सुने, उनके माता पिता भी सुने। जिंदगी भर निरोगी रहना है तो आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में ये कहा गया कि वात पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखो तो बीमार नहीं पड़ोगे। तीन तरह से बीमारी आती है आयुर्वेद में कहा गया, वात खराब हो जाए, पित्त खराब हो जाए और कफ, कफ बिगड़े, वात बिगड़े और पित्त बिगड़े, तीन तरह से बीमारी आती है। मैंने थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला वात जब बिगड़ता है तो सबसे ज्यादा बीमारी आती है, सबसे ज्यादा। और उन बीमारियों की संख्या है करीब 86, 80 और 86 बीमारियां आती हैं जब वात बिगड़ता है। ये घुटनों का दर्द, ये कमर का दर्द, ये कंधे का दर्द, ये जोड़ों का दर्द, ये सब वात के बिगड़ने की बीमारी है। हार्ट अटैक आता है ना, ये भी वात के बिगड़ने की बीमारी है। ब्रेन हेमरेज हो जाए, वात के बिगड़ने की बीमारी है। पैरालिसिस हो जाए, वात के बिगड़ने की बीमारी। तो वात बिगड़े तो सबसे ज्यादा तकलीफ करता है, फिर पित्त बिगड़े तो 40 बीमारियां करता है, और कफ बिगड़े तो करीब 20 बीमारियां करता है। कुल मिला के 148 बीमारियां होती हैं वात पित्त कफ के बिगड़ने से। तो आप जीवन भर इस बात को याद रखो कि आपका वात, आपका पित्त, आपका कफ ना बिगड़े। नियमित योग और प्राणायाम करना वो तो एक काम है, नियम भी ध्यान रखना है। तो आप बोलेंगे क्या करें उसके लिए, वात पित्त कफ कभी नहीं बिगड़ेगा आपका अगर आप एक काम करो, खाना खाने के बाद कभी भी पानी मत पियो, ये नियम है। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में लिखा गया है भोजनांते विषम वाणी, माने भोजन के अंत में पानी पी लिया तो समझ लो जहर पी लिया, इतना खराब कहा गया है। ये कहा गया भोजन के बाद में जो पानी पीते हैं उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। अब आपको ये तो बड़ी मुश्किल होगी, हम तो खाने के बाद पानी पे पानी पीते हैं, लोटे पे लोटा घटकते, और कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, और आयुर्वेद कहता है कि खाने के बाद पानी पियो ही मत, ये चक्कर क्या है? ये चक्कर को मैं सरल भाषा में समझाता हूँ आपको, ये चक्कर क्या है? चक्कर ऐसा है कि जब आप खाना खाते हो, खाना पेट में इकट्ठा होता है, पेट में एक छोटा सा स्थान होता है उसको कहते हैं जठर, अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। ये नाभि होती है ना, नाभि के बगल में बाएं हाथ पर एक छोटी सी थैली होती है उसको कहते हैं जठर, उसी को कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। MBBS वाला कोई होगा तो एपिगैस्ट्रियम कहेगा, BAMS वाला होगा तो जठर कहेगा। ये जठर या एपिगैस्ट्रियम एक थैली होती है, इसमें सारा खाना इकट्ठा होता है। आपने रोटी खाई, आपने दाल खाई, आपने चावल खाया, आपने दही पिया, आपने दूध पिया, जो भी किया वो सब उस एपिगैस्ट्रियम माने जठर में आता है। अब जब ये सारा खाना जठर में इकट्ठा होता है तो इस खाने के पचने की क्रिया शुरू होती है, और खाने को पचाने के लिए उसमें अग्नि जलती है, आग। जैसे रसोई घर में होता है ना, हम गैस को जलाते हैं तो आग जलती है, उसके ऊपर हम कुछ भी पका सकते हैं। अगर गैस जले तो दूध रख दो, दूध में चावल डाल दो, खीर पक जाएगी, लेकिन अगर गैस नहीं है तो कुछ नहीं पकेगा। ऐसे ही पेट में होता है, एपिगैस्ट्रियम माने जठर में सारा खाना आया, खाने के पचने के लिए आग की जरूरत होती है, अग्नि, उसी को कहते हैं जठर अग्नि।
मिला के कहते हैं जठरा अग्नि। तो हम खाना खाते हैं, अग्नि जल जाती है, फिर खाने का पचना शुरू होता है। अब मुझे आप ये बताओ कि हमने खाना खाया, अग्नि जलना शुरू हो गई, खाना पचना शुरू हो गया, तभी हमने घटक घटक पानी पी लिया, क्या होगा? अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अब अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं बचेगा, खाना नहीं बचेगा तो फिर खाना सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा रोग उत्पन्न करेगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया कि खाने को पचने के लिए अग्नि को जलने दो, और अग्नि को जलने देने के लिए पानी मत डालो उसके ऊपर, इसलिए खाने के बाद पानी मत पियो। समझ में आया? अब ये जो खाना है, ये जब पचता है शरीर में, तो पचा हुआ खाना रस में बदलता है, और उस रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र बनता है। मल और मूत्र शरीर के काम का नहीं है, शरीर उसको छोड़ देता है, लेकिन मांस मज्जा रक्त वीर जो काम की चीजें हैं, शरीर उसको धारण कर लेगा। तो खाना पचेगा तो मांस बनेगा, रक्त बनेगा, वीर बनेगा, ताकत आएगी, और खाना सड़ेगा तो जहर बनेगा, जहर बनेगा तो बीमारियां करेगा, और रक्त बनेगा तो शरीर को ताकत देगा। अब क्या करना है? खाने को पचा के जहर रक्त बनाना, या सड़ा के जहर बनाना? पचा के रक्त में बदलना। तो समझ में आया? और खाना पचने के लिए अग्नि, अग्नि के लिए पानी नहीं डाल सकते उसके ऊपर, क्योंकि अग्नि पे उसका गूदा निकालो, उसको मैश करो, फिर पानी मिलाओगे ना, तभी तो रस बनेगा। तो कोई भी रस बनाने के लिए पानी मिलाना पड़ता है, तो पेट में भी खाना पचकर रस बनेगा, तो रस में पानी मिलाना पड़ेगा। तो खाना पचने के बाद जब रस बने तब पानी पियो। आप बोलोगे ये कितनी देर में होता है? ये लगभग 1 से 1.5 घंटे में होता है। हमने 10 बजे खाना खा लिया तो 11 बजे के आसपास रस बनना शुरू हो जाता है, और 11:30 बजे तक वो बनता रहता है। तो 11 से 11:30 के बीच पानी पियो, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना। समझ में आ गया? फिर आप बोलोगे खाना खाते ही प्यास लगे तो क्या पीना? कई लोग कहते हैं कि मुंह सूखता है, गला सूखता है, प्यास लगती है तो क्या पीना? तो आयुर्वेद ने ये कहा कि खाना खाते ही अगर प्यास लग रही है तो 3 चीजें पीना, पानी छोड़कर, पानी तो नहीं पीना, 3 चीजें पीना। वो क्या पी सकते हैं? एक तो पीना दूध, दूसरा पीना मट्ठा, मट्ठा माने लस्सी, छाछ कहते हैं, हाँ, तो दूसरी पीनी छाछ, और तीसरा पीना कोई भी फल का रस। खाने के तुरंत बाद अगर प्यास लगे तो या तो दूध पियो, या तो छाछ पियो, या तो फल का रस पियो, पानी मत पियो। पानी पीना है 1 से 1.5 घंटे के बाद। अब आप ये ध्यान से याद रखो कि सवेरे का खाना अगर खाया हो तो हमेशा फलों का रस पियो खाने के बाद, दोपहर का खाना खाया हो तो हमेशा छाछ पियो खाना खाने के बाद, और रात का खाना खाया हो तो हमेशा दूध पियो खाने के बाद। सवेरे पीना है फलों का रस, दोपहर को पीनी है छाछ, और रात को पीना है दूध। अब आप पूछोगे ये क्यों? क्या दूध सवेरे नहीं पी सकते? क्या छाछ रात में नहीं पी सकते? क्या फलों का रस कभी नहीं पी सकते? आयुर्वेद में ये कहा गया कि कोई भी चीज मन मर्जी से कभी भी खा पी नहीं सकते, उसके तरीके हैं, नियम। छाछ पीनी है तो दोपहर को ही पीना, दूध पीना है तो रात को ही पीना, और जूस पीना है तो सवेरे। कारण उसका ये है कि हमारे पेट में कोई भी चीज खाएं या पिए उसको पचाने के लिए खास तरह के पाचक रस की जरूरत पड़ती है, जिसको MBBS वाले कहते हैं एंजाइम्स, और हम संस्कृत वाले कहते हैं पाचक रस। एंजाइम्स माने पाचक रस। अगर दूध पीना है दूध को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए, दही खाना है दही को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए, जूस पीना है जूस को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए। तो जूस को पचाने वाला जो पाचक रस है वो पेट में सवेरे सवेरे ही बनता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि सुबह
जूस पियो। दही और छाछ को पचाने वाला पाचक रस दोपहर को बनता है, इसलिए आयुर्वेद कहता है कि लस्सी या छाछ दोपहर को पियो। और दूध को पचाने वाला पाचक रस शाम को बनता है, इसलिए कहा गया है दूध शाम को पियो। तो सवेरे का खाना खाने के बाद जूस पियो, दोपहर का खाने के बाद लस्सी छाछ, और रात का खाने के बाद दूध पियो। समझ गए? अब आप ये कहोगे जूस तो बड़ा महंगा है, कहाँ से लाए इतना पैसा? तो सबसे सस्ता जूस है नींबू की शिकंजी बनाते थे। नींबू ले लो, पानी में घोल लो, थोड़ी उसमें गुड़ मिला लो और थोड़ा नमक डाल लो, शिकंजी तैयार हो गई। सुबह के खाने के बाद तुरंत आप शिकंजी पी सकते हो, दोपहर के खाने के बाद छाछ पी सकते हो, रात को दूध पी सकते हो। ठीक है? अब एक आखिरी सवाल, आपके मन में ये आ सकता है कि खाने के पहले पानी पिए क्या? तो आयुर्वेद कहता है खाने के पहले पेट भर के पानी पियो, लेकिन 48 मिनट पहले पियो। खाना अगर 10 बजे खाना है तो 9:12 से पेट भर के पानी पी सकते हो खाने के पहले। खाने के बाद कब पीना है? कम से कम 1 से 1.5 घंटा। ठीक है? पहले पीना है तो 48 मिनट में पता है क्या होता है, जितना पानी आप पिएंगे वो सब पच लेता है, पेट खाली रहता है 48 मिनट। पानी को कहाँ कहाँ जाना है शरीर में 48 मिनट में सब जगह चला जाता है, इसलिए खाने के पहले पानी 48 मिनट से पिए। अब आपके मन में और एक प्रश्न आ सकता है कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, लेकिन मैंने ही कहा कि खाने के तुरंत बाद जूस पी लेना, तो जूस में तो पानी है। खाने के पहले पानी पी सकते हैं, खाने के बाद नहीं पीना, लेकिन मैंने कहा कि लस्सी पी लेना, छाछ पी लेना, छाछ में तो पानी ही पानी है, दही तो थोड़ा ही होता है। और दूध पीने का बोला, दूध में तो 97% 96% पानी होता है, 4% ही फैट होता है, ये चक्कर क्या? एक तरफ आयुर्वेद कह रहा पानी मत पियो, दूसरी तरफ आयुर्वेद कह रहा जूस पी लो, लस्सी पी लो, दूध पी लो, ये समस्या क्या है? ये समस्या सीधी सी है, वो ये कि पानी जो अकेला होता है ना वो खतरनाक है। पानी जब किसी चीज में मिल जाता है तो बिल्कुल खतरनाक नहीं रहता। पानी का अपना गुण है, पानी के बारे में एक गाना लिखा गया इस देश में, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर जिसमें मिला उस जैसा। तो पानी को दही में मिला दो तो पानी दही जैसा हो जाता है, पानी को दूध में मिला दो तो दूध हो जाता है, पानी को जूस में मिला दो तो जूस जैसा हो जाता है। तो खाने के बाद अकेले पानी नहीं पीना है, जूस वाला पानी पी सकते, समझ गए? अकेला पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद। ये एक बात कितने लोगों को समझ में आ गई? जरा हाथ उठा। अरे वाह, सबको समझ में आ गई। बस पानी का अपना गुण है, पानी के बारे में एक गाना लिखा गया इस देश में, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर जिसमें मिला उस जैसा। तो पानी को दही में मिला दो तो पानी दही जैसा हो जाता है, पानी को दूध में मिला दो तो दूध हो जाता है, पानी को जूस में मिला दो तो जूस जैसा हो जाता है। तो खाने के बाद अकेले पानी नहीं पीना है, जूस वाला पानी पी सकते, समझ गए? अकेला पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद। ये एक बात कितने लोगों को समझ में आ गई? जरा हाथ उठा। अरे वाह, सबको समझ में आ गई। बस परम पूजनीय स्वामी जी इस नियम का पालन बताते हैं कि वो 15-16 वर्ष के थे तब से कर रहे हैं, और यही उनके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा राज है। अभी तक बीमार नहीं हुए, कारण उसका एक ही है कि खाने के 1-1.5 घंटे बाद ही पानी पीते हैं। अब आप भी काश से ये नियम चालू करो। मैं भी इस नियम का पालन करता हूँ 18 साल से, और 18 साल से मैं बीमार नहीं पड़ा। हाँ, पिछले 18 साल में मैंने 3,00,000 किलोमीटर का प्रवास किया पूरे देश में। अगर आप भारत की परिक्रमा करो तो 3 बार कर ली मैंने। हाँ, अब ये परिक्रमा की है, हवाई जहाज से की है, रेल से की है, कार से की है, पैदल भी की है, साइकिल से भी की है, मोटरसाइकिल से भी की है, बैलगाड़ी से भी की है,
खच्चर पे भी किए, गधे पे भी बैठ के किए, घोड़े पे भी बैठ के किए, ऊंट पे भी बैठा हूँ। एक बार जैसलमेर गया था ऊंट पे यात्रा की, तो सब तरह से यात्रा की है और आपको हैरानी होगी 18 साल की इस यात्रा में एक दिन भी मेरे पीठ में दर्द नहीं हुआ, पैर में दर्द नहीं हुआ, पेट में दर्द नहीं हुआ, बीमार नहीं पड़ा, हॉस्पिटल नहीं गया कभी। कारण उसका एक ही है, इस नियम का पालन मैं भी करता हूँ, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीता हूँ। आप भी करोगे तो बीमारी खत्म पक्का। अच्छा, अब ये सबको बताना है, जो जो यहाँ नहीं आए हैं वो बहुत दुर्भाग्यशाली है, तो उनको भी बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि आपको मोक्ष में जाना है और मोक्ष की शर्त है पहले खुद बीमारी से बाहर आ जाओ, फिर दूसरों को ठीक करो, तभी मोक्ष मिलेगा। इसलिए अपने तक सीमित मत रखना, इसको दूसरों को भी बताना, ठीक है।